आज हम यहाँ पे आए हुए नारान पे, भाई आज नारान के एरिया में आए हुए। के पी के का ऐसा लगता है हजारा डिवीजन में मिले, तो ये बहुत, ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। और ये आपको मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है, ये कोई नमक या कोई जोर नहीं है, ये बर्फ़ है, खालिस बर्फ़ है, जो है कि ग्लेशियर भी जिसे कहते हैं। और अब ये देखिए टपक रहा है, देखिए कहते हैं कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, वो कतरा कतरा इस तरह टपक टपक के ये दरिया की शक्ल इख्तियार करता है। और ये देखिए यहाँ पे आज रश, देखिए कितना रश हुआ है यहाँ पे, रश की आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कितना रश है। यहाँ पे गाड़ियों की धूमधाम है, लोगों का चलना फिरना है, और क्यों ना हो रश, खूबसूरती इतनी है माशाल्लाह। इधर पहाड़ देखिए, और ये देखिए दरिया भी बह रहा है, दरिया के साथ साथ लोग बैठे हैं, और वो आप सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, देखें पहाड़ों की चोटियों पे भी बर्फ़ आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रही होगी। और बाकी आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आगे क्या आइए 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 मैं आपको देखता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। और आप मुझे, आपको अंदाज़ा हो रहा है मैंने ये मफलर भी पहना हुआ है, कितनी सर्दी है यहाँ, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी सर्दी हो रही, बस ये बर्दाश्त किया हुआ थोड़ी देर के लिए। खैर आप आइए, देखिए यहाँ पे गाने बजाने की भी आपको आवाज़ें आ रही हैं, देखिए ये लोग भी नाच गाना लगाए हुए, लोगों ने खुशी का इजहार कर रहे हैं, जगह जगह गाने वगैरह लगाए हैं। और आइए और दिखा दें, आइए आप आगे आगे। अच्छा भाई इधर देखिए, ये खुश मेवा भी यहाँ पे बिक रहा है, और ये बड़ी तादाद में देखें सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, पता नहीं क्या क्या है। खैर आप आइए आगे आइए, देखिए कैंप भी देखिए यहाँ पे, जदीद किस्म के कैंप बनाए हुए हैं, और ये कैंप के रेट भी जो है ना वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। होटल लेना तो यहाँ पे दरकिनार, इसमें बंदा ले ले वही काफ़ी है। खैर लेकिन बहरहाल गरीब बंदे के शौक़ बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे बस आए हम भी थोड़ा शौक़ पूरा करने के लिए। वहाँ पे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा हम आगे चलते हैं शायद नज़र आ जाए, वहाँ पे भी थोड़ा सा नाच गाना चल रहा है। यहाँ पे हल्ला गुल्ला लगाया हुआ लोगों ने, कि आप रोड पे देखिए कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, और गाड़ियाँ भर भर के आ रही हैं। यहाँ पे हम अभी तक जहाँ भी गए हैं सब ज़्यादा रश यहाँ पे, लेकिन जीपें भी खड़ी हैं, आपको जीपें नज़र आ रही होंगी, ये सारी बुकिंग के लिए। और इसको रेट मिल गया हमने, देखते हैं आपको इधर देखिए, इन्होंने भी खाना भी पका रहे हैं, गाड़ी में और रुपये में सामने नाच गाना बंद कर दिया लोगों ने। चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे के, अभी चलते हैं वैसे। देखिए इधर भी लड़के काम कर रहे हैं, चले आइए आगे। आपको और कुछ दिखा देंगे, ये यहाँ पे होटल तो यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन ये यहाँ पे अक्सर जो है ना कैंपिंग ही हुई है, और ये कैंप भी जो है ना महंगे दामों, बस मुंह मंगे दाम देने पड़ते हैं लोग को, क्या करें। यहाँ पे बंदा आया हुआ है, एक तो बाहर रह भी नहीं सकता, सर्दी इतनी है कि बंदा रात को कुल्फी हो जाए। इस टाइम शाम के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं, इस टाइम हम लोग यहाँ पे कुल्फी बन रहे हैं, तो रात को तो पता नहीं क्या आलम होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो इस वजह से बस क्या करें कि अभी बदमाशी है, माननी पड़ेगी, इतना दूर आए हुए तो घर तो गरीब है नहीं कि घर चले जाएँ या किसी और इलाके में चले जाएँ। यहाँ पे सब और सब ने एका किया हुआ है, देखें जीपों का अड्डा, ये आप इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं, देखें जीपों बड़ी और साथ साथ ये दरिया भी बहता हुआ आ रहा है। और देखें हर कोई, हर किसी का यहाँ माशाल्लाह यहाँ पे कारोबार चल रहा है, चल भी किसी भी बेच रहा है, कोई कोई चश्मे बेच रहा है। आगे बाजार भी है,
थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम तो पहाड़ देखिए तो पहाड़ बस तो उठते अच्छा तो हम यहाँ पे शेयर करते हैं बाकी जो होगा वो हमसे हम नहीं पूछ लीजिएगा ठीक है क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है और आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हम घूम घूम के थक जाएंगे आप देख देख के थक जाएंगे सही है तो हम तो घूमेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर में अंधेरा भी होने वाला है और सर्दी काफ़ी है तो हमने कुछ पहना भी नहीं है ये देखें तो बस अभी कुछ इंतज़ाम करते हैं पहले पहनते हैं और कमरे में जाते हैं थोड़ा पकौड़े शकौड़े खाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद खाना भी खाते हैं तब तक आप आपका दिल करे तो आप भी करते हैं जी आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये है झील सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक ये नारान में आता है जो कि हज़ारा डिवीज़न का हिस्सा है और ज़िला केपीके में आता है खैबर पख्तूनख्वा में। ये भी बहुत प्यारी जगह और यहाँ पे भी सर्दी का ये आलम है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है और टेम्परेचर का तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ये तकरीबन 11,500 फीट ऊँचाई पर सतह समंदर से ये देखिए झील ये खूबसूरत झील है यहाँ पर झील सैफुल मलूक ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है बल्कि टॉप की झीलों में से आती है। ये झीलें देखिए और इसके आसपास का मंदिर देखिए ये भी बड़ा शानदार है। ये पहाड़ों के ऊपर जमी हुई बर्फ़ ग्लेशियर वो देखिए आपको दूर पहाड़ों पे भी नज़र आ रहे होंगे पहाड़ ढके हुए हैं बर्फ़ से मुकम्मल तौर पर ढके हुए हैं और ये बादलों से टकराते हुए पहाड़ खूबसूरत नज़ारे। यहाँ पर जीप में आने में तकरीबन ये नारान से जीप में आने में तकरीबन 45 मिनट लगे 40 से 45 मिनट इतना सफ़र है। ये तकरीबन 11-12 किलोमीटर है। इसके अलावा जीप के अलावा और कोई गाड़ी नहीं आ सकती सिर्फ जीप ही आ सकती है 4x4 क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है पथरीला है और रास्ते में ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं इस वजह से। तो बाकी आइए हम आपको झील की सैर कराते हैं मजीद। छापा ही पवा दे यहाँ से भी आप देखो कितना खूबसूरत झील का मंदिर नज़र आ रहा है और लोगों का रश बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सुबह के 8 बजे अभी लेकिन अभी से ही इतना रश लग गया है। ये आपको नीचे भी रश नज़र आ रहा होगा ऊपर लोग नाश्ते वगैरह भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं और ये झील में बोटिंग भी हो रही है जी। आइए जी और देखो तो आपने देखी होगी देखिए झील कितनी प्यारी है। अब ज़्यादा देर में आपका लूँगा नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगूँगा लेकिन फिर भी आप एक बार फिर ये करीब से देख लें। थोड़ा मैं ज़्यादा करीब तो नहीं आया थोड़ा लेकिन थोड़ा ऊपर आ गया हूँ। ऊपर से पूरी तरह से झील नज़र आ रही है और लोग भी नज़र आ रहे हैं और वैसे ये नारान में जो है ना बाकी कई जगहों के मुकाबले में रश ज़्यादा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ ये लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा महंगाई ज़्यादा है बाकी इलाकों के कश्मीर वगैरह के मुकाबले में यहाँ पे महंगाई ज़्यादा लेकिन फिर भी आइए सैर व तफरी करने आइए और हम आपको यही बोलेंगे कि बस हर जगह जाइए हर जगह खूबसूरत है पाकिस्तान की। लेकिन ये भी हमने आपको एक नई जगह दिखाई और इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आपको एक और जगह जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।